हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। सबसे पहले थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड देखते हैं। तो बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी 17 नवंबर 1932 को और एंड हुई 24 दिसंबर 1932 को। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे सर सैमुअल होर और वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलिंगटन। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को केवल 46 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। अगर इसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ कंपेयर किया जाए तो यह संख्या अपने आप में काफ़ी कम है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 90 डेलीगेट्स थे जबकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 155। हुआ क्या कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटते ही गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज शुरू करने की सोची और नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने इसे पूरी तरह से क्रश कर दिया। गांधी जी समेत इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो जब ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो सभी लीडर्स जेल में थे और उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया था। इसके अलावा जिन्ना ने भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। और हाँ, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फिर अटेंड किसने किया। तो भाई साहब, यहाँ पर पहुँचे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बहुत सारे दीवान और प्रिंसेस, जैसे कि दीवान ऑफ हैदराबाद, दीवान ऑफ उदयपुर और इसी के साथ साथ जयपुर, मैसूर, जोधपुर, अलवर, जम्मू एंड कश्मीर और भोपाल के दीवान भी यहाँ पर मौजूद थे। उस ज़माने में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें एक पोजीशन होती थी दीवान। ये जो दीवान है ये उस ज़माने का प्राइम मिनिस्टर सोच सकते हो आप उस पर्टिकुलर स्टेट का। इसके अलावा कई डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा खान थर्ड और मोहम्मद इकबाल, भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम जहानारा शाहनवाज, लिबरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू और एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेनरी गिडने। अब देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। हुआ क्या कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ इंडिया में भेज दी थी। इनमें से जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ थी उनके नाम थे लोथियन कमेटी, पर्सी कमेटी और डेविडसन कमेटी। बेसिकली इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी को ही लोथियन कमेटी कहा जाता है और यही वो कमेटी है जिसने कम्युनल अवार्ड की रिकमेंडेशन दी थी, जिसके बेस पर मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा ये जो बाकी की दो कमेटीज़ हैं, पर्सी कमेटी और डेविडसन कमेटी, ये दोनों की दोनों कमेटी बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कमेटीज़ थी। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मेंबर्स ने इन तीनों कमेटीज़ की रिकमेंडेशन को डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फेडरल लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर पर भी डिस्कशंस हुए। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो इस कॉन्फ्रेंस में हुई वो ये कि यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा कुछ पैम्पलेट्स बांटे गए और इन पैम्पलेट्स की हेडिंग थी नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ये पैम्पलेट लिखा था एक कॉलेज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने और इस पैम्पलेट में एक वर्ड पाकिस्तान पहली बार यूज़ किया गया था। इससे पहले मुस्लिम लीडर्स मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट बनाने की तो मांग कर रहे थे बट उस स्टेट का नाम पाकिस्तान होना चाहिए, ये पहली बार जो है चौधरी रहमत अली ने अपने इसी आर्टिकल में दिया। और इस पैम्पलेट को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी डेलीगेट्स के बीच सर्कुलेट किया गया था। हालांकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद 1933 में ये आर्टिकल फाइनली पब्लिश हुआ, लेकिन इससे पहले ही सारे के सारे डेलीगेट्स के बीच में ये सर्कुलेट हो चुका था। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि इस पैम्पलेट में जो वर्ड पाकिस्तान यूज़ हुआ है वो बेसिकली पाकिस्तान नहीं है, ये वर्ड है पाकिस्तान, यहाँ पे आई मिसिंग है। और यही पैम्पलेट बेसिकली पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस के बेस पर मार्च 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट्स और डिस्कशंस हुए और फाइनली जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया।
अब आप बुक सभा को टेलीग्राम पे फॉलो करके इस वीडियो का माइंड मैप डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स के लिए booksabha.com वेबसाइट चेक करें। बुक सभा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक सभा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक सभा।